प्यारे बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम अपनी व्याकरण की किताब मणिका के पाठ 3 धातु रूप प्रकरणम का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं धातु क्या है। धातु का अर्थ है क्रिया, और क्रिया क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं, और इन्हीं क्रियाओं के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे खादति, खाने की क्रिया है, उसमें खाद मूल रूप है और यही धातु है। लिखति में लिख, नमति में नम, पा में पीने में पा धातु, जिससे जिसका रूप हो जाता है पिब, और उससे फिर धातु रूप बनाते हैं। हंसने में हस धातु है। धातु रूप संस्कृत में क्रिया को व्यक्त करने वाली इन सभी धातुओं के रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, सभी में धातु रूप एक समान चलेंगे। यहाँ शब्द रूप की तरह अलग अलग लिंगों के अनुसार नहीं चलेगा। अब लिख, लिखना है धातु है, जिससे लिखती धातु रूप बना। नम, नमस्कार करना, जिसे नमती। हंस माने हंसना, जिसे हंसती धातु रूप बना। खाद, खादती। धाव, धावती। अब इन धातु रूपों को जानने से पहले हमको पुरुषों का ज्ञान आवश्यक है, अतः हम अब पुरुष के बारे में अध्ययन करेंगे। पुरुष क्या होते हैं? हमें अपनी बात किसी से व्यक्त करने के लिए तीन लोगों की आवश्यकता होती है। एक वो होता है जो बोलने वाला होता है, दूसरा होता है सुनने वाला, और तीसरा होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला अर्थात वक्ता होता है, मध्यम पुरुष अर्थात सुनने वाला या श्रोता होता है, प्रथम पुरुष वे होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इन पुरुषों में किन किन सर्वनामों का प्रयोग होता है, आइए उसे जानते हैं। तो उत्तम पुरुष में जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वह है एकवचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में एकवचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। इन 6 सर्वनामों के अलावा कोई भी संज्ञा या सर्वनाम आए, कुछ भी आए, वो सारे प्रथम पुरुष में होते हैं। यहाँ तक कि भवान शब्द भी आए तो भी वो प्रथम पुरुष में जाता है। अब हम बात करेंगे लकार की। लकार अर्थात काल, जिसको हिंदी में कहा जाता है काल। तो लकार अवस्था के अनुसार या काल के अनुसार संस्कृत में 10 लकार होते हैं, परंतु मुख्यतः 5 लकारों का ही प्रयोग होता है। आरंभ में केवल लट और लिट लकार को ही जानना आवश्यक होता है, जो कि हमारी 6वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे। लेकिन हमें सभी 5ों लकारों का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर 5ों लकारों का वर्णन कर किया जाएगा। तो आते हैं, ये 5 लकार कौन कौन से हैं। पहला लट लकार, जिसे वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा लिट लकार, जिसे भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा है लंग लकार, जो भूतकाल के नाम से जाना जाता है। लोट लकार आज्ञा सूचक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अर्थात लकार 5 प्रकार के होते हैं। अब हम लट लकार अर्थात वर्तमान काल, जिसका प्रयोग हम वर्तमान काल के लिए करते हैं, इसमें जो प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रथम पुरुष में कौन कौन से प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, आइए उसको जानते हैं। प्रथम पुरुष एकवचन में अति, द्विवचन में अतः
और प्रथम पुरुष बहुवचन में अन्ति इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब मध्यम पुरुष में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? एकवचन में असि, द्विवचन में अथ और बहुवचन में अथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? तो उत्तम पुरुष एकवचन में आमि, उत्तम पुरुष द्विवचन में आवह, उत्तम पुरुष बहुवचन में आमा। इन प्रत्ययों का प्रयोग करके हम धातुरूप लट लकार में बनाते हैं। अब लट लकार में किन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, आइए उसे जानते हैं। तो लट लकार भविष्यकाल की क्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें जो प्रत्यय प्रयोग होते हैं वे प्रथम पुरुष में इष्यति, इष्यतः और इष्यन्ति, मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यतः, इष्यत, उत्तम पुरुष में एकवचन द्विवचन बहुवचन में इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। इन प्रत्ययों का प्रयोग करके हम किसी भी धातु से धातुरूप बनाते हैं। अब हम लंग लकार के प्रत्ययों का प्रयोग जानेंगे। लंग लकार के प्रत्यय हैं प्रथम पुरुष में अत अताम अन, मध्यम पुरुष में अह अतम अत और उत्तम पुरुष में हैं अम आव आम। परंतु इन सभी के सामने अ जोड़ा जाता है। जैसे पठ धातु का रूप यदि हम लंग लकार में बनाएंगे तो अपठत, पठ धातु के पहले हमने अ लगाया और पीछे जो प्रत्यय है उसको लगा दिया, तो अपठत, अपठताम, अपठन। इसी प्रकार लोट लकार के प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो लोट लकार के प्रत्यय प्रथम पुरुष में है अतु अताम अंतु, मध्यम पुरुष में है अ अतम अत और उत्तम पुरुष में है आनी आओ आम। इसी प्रकार विधि लिंग लकार जिसका अर्थ है चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रथम पुरुष में जो प्रत्यय प्रयोग होते हैं वे हैं एत एताम एयु, मध्यम पुरुष में एह एतम एत और उत्तम पुरुष में है एयम एव एम। ये तो हो गए सारे लकारों के प्रत्यय के बारे में ज्ञान। अब हम पठ धातु से किस प्रकार सारे लकारों में धातु रूप बनाया जाता है उसे देखेंगे। तो लट लकार में कैसे बनाया जाता है पठ धातु से? रे लट लकार के प्रत्यय तीत अंति सी था ता आमी आवा आमा होते हैं, तो उन सभी को हम पठ धातु में लगाकर प्रत्यय धातु रूप बनाएंगे। पठती पठतः पठंती। अब असी अथ अथ को प्रत्यय को जोड़कर हम पठसी पठतः पठत बनाए। उसी प्रकार आमी आवा आमा को जोड़कर हमने पठामी पठावह पठामह बनाया। इसी प्रकार सारे धातुओं को हम इन प्रत्ययों में लगाकर धातु रूप बना सकते हैं। अब लट लकार के प्रत्यय में हमने पठ धातु को जोड़ा तो प्रथम पुरुष में पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, मध्यम पुरुष में पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत और उत्तम पुरुष में पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः बन गया। इसी प्रकार लंग लकार में मैंने पहले बताया था, अभी और बता रही हूँ कैसे बनेंगे पठ धातु का रूप। अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, उत्तम पुरुष में है अपठम अपठा अपठाम। अब आते हैं लोट लकार में। लोट लकार में प्रथम पुरुष में पठ धातु का रूप कैसे बनेगा? पठतु पठताम पठन्तु, मध्यम पुरुष में पठ पठतम पठत, उत्तम पुरुष में पठानी पठाव पठाम। हमने सारे प्रत्यय को लोट लकार के प्रत्यय तु तामंतु अतम त आनी आओ आम को जोड़कर ये पठ धातु का रूप बनाया। उसी प्रकार विधि लंग लकार में भी ऐसे ही बनाएंगे। प्रथम पुरुष में विधि लंग लकार में कैसे बना है? पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। कुछ और अन्य लट लकार के धातु रूप इस प्रकार हैं। पहला है खादति खादतः खादन्ति, वानर खा रहा है तो उसको प्रथम पुरुष में हमने
कैसे बनाया? खादती, खादता, खादंति, ये केवल प्रथम पुरुष में ही बनेगा क्योंकि इसमें अहम आवाम वयम नहीं है, तम युवाम युवम नहीं है, इसलिए वानर खादति। संज्ञक जोड़ेंगे तो वानर खादति, वानरौ खादतः, वानराः खादन्ति। और सर्वनाम करेंगे तो पुल्लिंग में सर्वनाम के साथ लगाएंगे तो सः खादति, तौ खादतः, ते खादन्ति। और यदि स्त्रीलिंग में कर स्त्रीलिंग का सर्वनाम लगाकर खादति क्रिया को खाद क्रिया को लिया तो सः खादति, ते खादतः, ताः खादन्ति। उसी प्रकार नम धातु का भी रूप बना है, नमति, नमतः, नमन्ति। बालकः नमति, बालकौ नमतः, बालकाः नमन्ति। क्रीड धातु का रूप लेंगे तो बालिका से लिए तो बालिका क्रीडति, बालिके क्रीडतः, बालिकाः क्रीडन्ति। उसी में सर्वनाम को भी जोड़कर हम इन क्रियाओं को बोल सकते हैं, सः क्रीडति, तौ क्रीडतः, ते क्रीडन्ति। उसी प्रकार स्त्रीलिंग को भी। अब आते हैं कुछ अन्य धातुएं हैं जिनका मीनिंग के साथ यहाँ पर दिखाया गया है। दृश्य, दृश्य माने देखना, इसको हम पश्य से चलाएंगे, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। गम, गम से गच्छ बनाएंगे और गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। गम का मतलब है जाना। नृत्य से नृत्य बनाएंगे, नृत्य माने नाचना, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। ता से यच्छ बनेगा, यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। उसी प्रकार स्था से तिष्ठ, जिसका अर्थ है ठहरना या स्थित रहना। पा से पीब, पीप से फिर पीबति, पीबता, पीबन्ति या पीना, जिसका अर्थ है। वद माने बोलना, क्रीड माने खेलना। भू से भव हो जाएगा, भवति, भवता, भवन्ति। अस का अर्थ भी होना, भू का अर्थ भी होना। अस से अस्ति, स्था, संति होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि भवति में कौन सा धातु है तो भू धातु। यच्छति, यच्छामि, इसमें कौन सा धातु है तो दा धातु। मूल धातु यहाँ पर दा है। पश्यति, पश्यतः में कौन सा मूल धातु है तो दृश मूल धातु है। धन्यवाद।